क्या आपको हमेशा कमजोरी या थकावट रहती है? क्या आपके चेहरे का रंग पीला है? आपके सिर में दर्द होता है? क्या आपकी धड़कन जो है तेज चलती है या आपका सांस फूलता है? अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं तो ध्यान रखे, हो सकता है कि आपको अनीमिया है। अनीमिया यानी खून की कमी है और हमारे देश में 51% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको खून की कमी के कारण और उपचार के बारे में सारी जानकारी दूंगी। अनीमिया यानी कि खून की कमी, ये कब होती है? अनीमिया या खून की कमी तब होती है अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन हमारे खून का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो हमारे शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एनर्जी पैदा नहीं होगी, हमें थकावट और कमजोरी हमेशा रहेगी। सबसे कॉमन टाइप का अनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इसलिए अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो भी कम रहेगी और हमें अनीमिया यानी खून की कमी होगी। हमारे शरीर में आयरन की कमी तब होती है अगर बहुत लंबे समय तक हमारा जो भोजन है उसमें जो आयरन युक्त भोजन है उसकी मात्रा कम है। यानी हो सकता है कि हम हरी सब्जियां कम खाते हैं, हम मीट या अंडे नहीं खाते हैं, तो इस कारण हमारे शरीर में जो आयरन की मात्रा है वो कम रहेगी। हमारे शरीर में आयरन की मात्रा तब भी कम होती है अगर हमारी जो पीरियड्स के समय की ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है उसके बिगड़ने के कारण हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो बच्चेदानी है उसमें कोई गांठ है या फाइब्रॉयड है जिसे हम रसौली भी कहते हैं। इस कारण भी हमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। कई महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस भी होता है। एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर हमने एक पूरा विस्तार में वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस में हमारी श्रोणि के अंदर भी अंदरूनी ब्लीडिंग होती है जिस कारण भी कई महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। कई महिलाओं में खून की कमी तब भी हो सकती है अगर आपकी पेट में कीड़े हैं। इसके अलावा कई बारी हमारे पेट में अल्सर भी हो सकता है। अब ये अल्सर कैसे आता है? कई बारी हम बहुत लंबे समय तक दर्द की गोलियां लेते हैं। दर्द की गोलियों के सेवन के कारण हमारे पेट के अंदर अल्सर बन सकते हैं और जब ये अल्सर अंदरूनी ब्लीडिंग करते हैं तो हमारे अंदर खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई बारी आपकी आंतों में पॉलिप बनता है या आपके पेट में कैंसर भी हो सकता है। इन बीमारियों का भी एक लक्षण होता है खून की कमी यानी अनीमिया। अनीमिया यानी खून की कमी प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ज़्यादा देखी गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपके शरीर में जो भ्रूण का विकास हो रहा है इसलिए आपके शरीर को आयरन और ब्लड की जो मात्रा है उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस कारण प्रेग्नेंट महिलाओं में अनीमिया ज़्यादा देखा गया है। और अगर एक महिला प्रेग्नेंट है और उनमें खून की कमी रहती है तो जो बच्चे का वज़न है जन्म पे वो हमेशा नॉर्मल से कम रहेगा और कई बारी आपकी डिलीवरी जो है वो समय से पहले भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि खून की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपके चेहरे का रंग पीला हो सकता है, आपकी दिल की धड़कन तेज चल सकती है, कमजोरी थकावट रह सकती है, कई बारी आपका सांस भी फूल सकता है। इसके अलावा कई महिलाओं के जो नाखून होते हैं वो कच्चे और जल्दी टूटते हैं, या हो सकता है कि आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हों। कई महिलाओं को एक अलग सी परेशानी भी हो सकती है जिसे हम पीका कहते हैं। इस परेशानी में कई महिलाओं को या तो चौक खाने का मन करता है, या मिट्टी खाने का मन करता है, या बर्फ़ चबाने का मन करता है। ये भी अनीमिया यानी खून की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस खून की कमी का क्या उपचार है, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो देखते देखते आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको खून की कमी के लक्षण हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लेकर
अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, यानी हीमोग्लोबिन की जांच करवा सकते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन की जांच है, ये बहुत ही सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट है जो तकरीबन 60 से 80 रुपए का हो जाता है। और इसमें देखा गया है कि जो नॉर्मल महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर आपकी जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो इससे कम है तो इसका मतलब कि आपको अनीमिया यानी खून की कमी है। कई बारी डॉक्टर इसके अलावा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC का भी टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट तकरीबन 200 से 300 रुपए का होता है और इससे आपके डॉक्टर को आपकी जो खून की कमी की प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनीमिया यानी खून की कमी जो होती है वो अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण भी हो सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर को शक हो कि आपके जो पेट में कोई अल्सर है, तो इसको जांचने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। एंडोस्कोपी में आपके पेट के अंदर एक पतली सी नली डाली जाती है जिसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। इसके आखिर में एक लाइट और एक लेंस लगा होता है। इस टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर जो आपके पेट के अंदर जो अल्सर है उसको देख सकते हैं, वो कहाँ है उसको भी देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। कई बारी इसके लिए डॉक्टर आपके स्टूल की टेस्ट यानी आपकी मल की जांच भी कराते हैं, जिसमें अंदरूनी ब्लीडिंग के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। अगर आपकी जो खून की कमी यानी अनीमिया है वो पीरियड्स के समय ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण है, तो कई बारी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह भी देंगे, जिसमें अगर आपकी बच्चेदानी में जो फाइब्रॉयड है उसको डॉक्टर देख सकते हैं और उसका साइज़ भी जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम खून की कमी का उपचार कैसे करते हैं। खून की कमी की जो ट्रीटमेंट होती है वो दो हिस्सों में हम बांट देते हैं। या तो हम दवाइयों का प्रयोग करें या हम अपने खान पान या डाइट में कुछ बदलाव लाएं। सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं। खाने में आपको हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है। हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप पालक खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, आप ब्रोकली की सब्जी बना सकते हैं और कई बारी आप छोले, राजमा या बीन्स भी खाइए, क्योंकि इसमें भी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे और मीट ले सकते हैं, क्योंकि इनमें भी आयरन ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप रोज़ाना एक अनार खा सकते हैं या चुकंदर का सलाद बना सकते हैं अगर आप में खून की कमी है। और अगर सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप किशमिश और बादाम भी ज़रूर खाइए। डॉक्टरों का यह मानना है कि हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा तब होती है अगर हमारे ब्लड में विटामिन सी की मात्रा जो है वो पर्याप्त हो। तो अगर आप आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं या आप आयरन युक्त भोजन ले रहे हैं तो साथ में आप नींबू का रस या आप ऑरेंज का रस यानी संतरे का रस भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। कई बारी अगर आप में आयरन की कमी ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको विटामिन सी की गोली यानी लिमसी की टैबलेट 500 मिलीग्राम की दिन में एक खाने की सलाह भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दवाइयों की यानी आयरन की टैबलेट्स की। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल में आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 12 से 15.5 ग्राम पर DL होता है। अगर आपकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 10 या 10 से कम है तो डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट्स लेने की सलाह देते हैं। जो आयरन की टैबलेट्स है ये डेक्सोरेंज के नाम से मिलती है या हीमअप के नाम से मिलती हैं या फेरियम XT के नाम से भी मिल सकती हैं। ये टैबलेट्स आपको दिन में एक बारी खाना खाने के साथ लेनी है और अगर आपको परेशानी ज़्यादा है तो कई बारी डॉक्टर आपको दिन में दो बारी भी इसको लेने की सलाह दे सकते हैं। इन गोलियों को खाने से आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो तकरीबन 2 ग्राम बढ़ सकता है अगर आप ये दवाइयाँ लगातार 3 महीने तक लें। इसके अलावा कई महिलाओं को इन दवाइयों के सेवन से कब्ज की शिकायत भी हो सकती है या आपके जो स्टूल्स का कलर है यानी मल का कलर है वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम पर DL से कम है और आपको जो खून की कमी के लक्षण है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको आयरन के इंजेक्शंस लेने की भी सलाह दे सकते हैं। ये जो आयरन के इंजेक्शंस होते हैं ये आयरन सुक्रोज के नाम से मिलते हैं और ये तकरीबन 200 से 250 रुपए का एक इंजेक्शन होता है। बट याद रखें कि आप ये इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह के बिना और डॉक्टर की गाइडेंस के बिना बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 6 ग्राम पर DL से कम है और इस समय आपको जो
आयरन की कमी या जो ब्लड की कमी के लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हो सकता है आपका दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो, या आपको सांस बहुत फूल रहा हो, या हो सकता है इस समय आप गर्भवती हों, तब आपको डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की भी सलाह दे सकते हैं। अगर आपकी जो खून की कमी है वो पेट में कीड़ों के कारण है तो डॉक्टर आपको जेंटल की टैबलेट देंगे। ये जेंटल की टैबलेट जो होती है इसका एक गोली का ही कोर्स होता है। ये 400 मिलीग्राम की टैबलेट होती है और रात को सोने के समय आप ले सकते हैं। और अगर आपकी जो खून की कमी है वो बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड यानी गांठ के कारण है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपने जो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आशा करती हूँ कि ये जो खून की कमी का वीडियो हमने बनाया है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और परिवार की महिलाओं के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इस विषय में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।